कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल My Life My Way। आज हम बात करने वाले हैं कैसे बनेगा हमारा देश आत्मनिर्भर और क्या आसान होगा फॉरेन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करके अपने लोकल प्रोडक्ट्स को अपनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो लॉकडाउन को हो गए हैं लगभग 2 महीने और हमारा देश है इकोनॉमिकल क्राइसिस में। तो लोगों को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक योजना की शुरुआत करी है जिसका नाम उन्होंने रखा है आत्मनिर्भर भारत योजना। हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का भी राशि दी है और ये लगभग हमारे GDP की 10% के बराबर है। ये GDP का जो पार्ट दिया है ये हमारे देश में और बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। हमसे ज़्यादा सिर्फ अमेरिका और जापान ने ये परसेंटेज दी है COVID-19 की क्राइसिस से लड़ने के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है ताकि हम अपने देश को इंडिपेंडेंट बना सकें। हमें किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। एक ये तो छोटा सा एक अभी वायरस ही आया है और भी आगे बड़ी बड़ी वायरस आ सकते हैं और विश्व युद्ध में तो हालत और भी ख़राब हो जाएगी। तो हमें अपने देश को इतना आत्मनिर्भर बनाना है कि हमें और किसी देश पर डिपेंड नहीं रहना पड़े। हमारे पास ऐसे सारे साधन होने चाहिए, सारी वस्तुएं होनी चाहिए कि हम सब कुछ यहीं बना सकें और सब हमारे देश के लोगों को आम जनता को मिल सके। उन्होंने एक बात बोली है कि हमें अपने इकोनॉमी को बढ़ाना है, अपनी इकोनॉमी को अपने देश में रखना है। इसके लिए उन्होंने बोला है कि हमें फॉरेन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करके अपने लोकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करना होगा। लोकल प्रोडक्ट्स में भी होते हैं हमारे पास मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स वो होते हैं जैसे हमारी कंपनी मान लो बाहर विदेश की है, ठीक है, उन्होंने अपना प्लांट बस यहाँ पे लगा लिया इंडिया में, तो अब वो इंडिया में हमारे शेयर में हमारी इकोनॉमी में हेल्प करेंगे, हमारे लोगों को रोजगार देंगे, वो बहुत ही बेनिफिशियल है। पर फिर भी हमारा जो पैसा है वो विदेश में ही जा रहा है जो कि उसके मालिक विदेशी हैं। पर हमें मेक इन इंडिया को नहीं याद रखते हुए हमें मेड इन इंडिया को सपोर्ट करना है। मेड इन इंडिया का मतलब है लोकल प्रोडक्ट्स। मेड इन इंडिया का मतलब है हमारे देश का प्रोडक्ट है, हमारे देश में बना है और हमारी इकोनॉमी जब उसको खरीदेंगे जो पैसा जाएगा वो हमारे देश में रहेगा। तो हमारे लिए फ़ायदेमंद क्या है? आप लोग बिल्कुल समझदार हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। और हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें अपने लोकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है और उनको प्रमोट भी करना है। जो भी आजकल ब्रांड बड़े 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 नाम आप सुनते हैं वो कभी ना कभी लोकल रहे होंगे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया होगा, तो वहाँ के उस देश के लोगों ने उसे अपनाया, उसकी क्वालिटी को समझा और उसे प्रमोट किया, अब आप उनको ग्लोबली जानते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे देश के प्रोडक्ट हैं हम उनको यूज़ करेंगे, उनकी क्वालिटी को लोगों को बताएंगे, भाई ये स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, ताकि उनका भी ग्लोबली नाम हो सके। और अभी जैसे हम बाहर के देशों के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो बाहर के देश जो है वो हमारे देश के प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। तो हमें अपने देश के लोकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है और उनको प्रमोट करना है। पर हम यूज़ तो कर लेंगे पर क्या सच में उनका जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है, वो ग्लोबल प्रोडक्ट से मैच करता है? आपको ये एक पिक दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे मोबाइल्स के बारे में बताता हूँ। मोबाइल एक तरफ है हमारे पास फॉरेन प्रोडक्ट, एक तरफ है हमारा इंडियन प्रोडक्ट। अब आप स्मार्टफोन में जानते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स पास जो यहाँ पे लिस्ट दिख रही है, इनमें से क्या आप कोई भी स्मार्टफोन लेना चाहेंगे? नहीं, मैं तो खुद नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं एज़ कम्पेयर टू बाहर के जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं। फिर हम कैसे लेंगे इनको, कैसे अपनाएंगे? तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। तो हमें अपने मैन्युफैक्चरर से ये उम्मीद है कि वो उसी प्रोडक्ट को उतनी ही स्टैंडर्ड, उतनी ही क्वालिटी के बेस पे बनाएंगे जैसे बाहर के देश बनते हैं। अगर हम लोगों को वो ख़रीदने हैं तो हमें वो प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड भी चाहिए जैसे हमें बाहर से मिलता है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने हमसे बात करी है हमें जो भारत आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्होंने 5 पिलर्स के बारे में बताया। उन 5 पिलर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला पिलर कौन सा है? इकोनॉमी का। हमें अपनी इकोनॉमी अपने देश में रखनी है ताकि हमारी देश की इकोनॉमी हमारे देश में रहे और बाहर नहीं जाए, जिससे हमारे देश की GDP बढ़ेगी, हमारा देश का पैसा हमारे पास ही होगा। दूसरा उन्होंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ग्लोबली वेल नोन होना चाहिए, हमारा देश जाना जाना चाहिए कि भाई इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, ताकि लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ पर टूरिज़्म बढ़े। तीसरा आएगा 21st century का एक टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन सिस्टम। हमारा जो है सिस्टम बेस्ड होना चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास। हमारे पास टैलेंट है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी लेटेस्ट होनी चाहिए। फिर आता है हमारे पास चौथा डेमोग्राफी। हमारी डेमोग्राफी सबसे विचित्र है, सबसे वेरिएंट है हमारे पास, और ये पावर भी हमारा सोर्स ऑफ पावर है हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और लास्ट में आता है डिमांड एंड सप्लाई चेन। हमारे पास
पूरी रिसोर्सेज हैं, तो हमको उनको पूरी तरह यूज़ करने में चाहिए ताकि डिमांड सप्लाई चेन को हम बढ़ा सकें। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास अभी COVID-19 से लड़ने के लिए हमारे पास PPE किट नहीं होती थी, हमारे पास सैम्पलिंग किट नहीं होती थी, हम इसको बाहर से चाइना से लेते थे। पर आत्मनिर्भर की सबसे बड़ी पहचान जो है, हम इस टाइम करंट में सेकेंड नंबर पर आ चुके हैं PPE डेवलपमेंट, PPE मैन्युफैक्चरिंग में। जो हम बाहर से 170 रुपये का लेते थे किट, अभी वो हमारे देश में 1.7 रुपीज़ का बन रहा है। तो ये होती है आत्मनिर्भर भारत की पहचान और उसकी ताकत। तो मैं आपको अभी कुछ लिस्ट दिखाने वाला हूँ आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू, जो आपको पता लगेगा कि कौन से प्रोडक्ट हमारे पास फॉरेन के हैं और कौन से प्रोडक्ट हमारे पास इंडियन है, ताकि आपके माइंड में भी एक क्लैरिटी बन जाए कि हमें कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने और कौन से बाइकआउट करने। स्लाइड्स जो मैं आपके लिए लाया था, आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी देख के यहाँ से। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें अपने लोकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है। अब आप कुछ भी खरीदने जाएंगे तो आप प्राइस टैग देखते हैं, उसमें एक्सपायरी डेट देखते हैं या फिर उसकी आप मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं कि भाई वो बना कब है। अब आप एक चीज़ और डाल सकते हैं, आप उस पर आप टैग देखेंगे कि वो मेड कहाँ का है। आपको बस आप सामान खरीदते वक्त एक चीज़ और देखनी है, मेड इन इंडिया, जहाँ मेड इन इंडिया लिखा होगा आपको वही प्रोडक्ट बाई करना है, ताकि हम अपने देश को बचा सकें, अपने देश की GDP को बचा सकें और अपने देश की इकोनॉमी को बचा सकें। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने देश के लिए जंग बॉर्डर पे लड़ेंगे, हम अपने देश के लिए घर बैठ के भी जंग लड़ सकते हैं। तो हमें सिर्फ अपने लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदना है और अपने पैसे को अपने देश में रखना है, ताकि हमारी इकोनॉमी सही सलामत बनी रहे। और लोकल प्रोडक्ट्स खरीदेगा इंडिया, तभी तो आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया। इस स्लोगन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर जल्दी मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो का। तो जय हिंद, जय भारत।